ये क्या मैडम, हम जमीन पर, ये बेड पर, फीस तो हम भी देते हैं। फीस फीस फीस, घर पे मिक्सी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने फीस नहीं दी। एसी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने फीस नहीं दी। मैडम आपका तो हस्बैंड भी नहीं है। हाँ, क्योंकि तुमने फीस नहीं दी। मैम कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? अभी लाई बच्चे, मैं भी पीऊंगी मस्त एकदम बर्फ मार्केट ठंडा पानी। एक साल से फ्रिज खराब है, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें फीस नहीं थी। मेरी बात ना करो, मैंने 5 साल की फीस एडवांस में दे रखी है। छुट्टी, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का आज, निकलो। तुम यार ऑफ टॉपिक है, पर तेरी ब्रा की लाइंस क्यों नहीं विजिबल होती? या मेरी तो साफ विजिबल होती रहती है। देख, हम टीनेजर्स फिगर हगिंग की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो तेरी ब्रा की लाइंस विजिबल ना हो उसके लिए जैसे ये बिजी पैटर्न वाला टॉप। सही है यार, या फिर इस तरह के रफल टॉप पहन, और अगर ये भी ना हो तो फिर तो इस तरह के बिग प्रिंस के कपड़े पहन। अगर फिर भी ना हो तो पता है, ये स्पोर्ट्स वाली ब्रा ट्राई कर, और अगर ये भी ना हो तो ये सीमलेस ट्यूब ब्रा ट्राई कर, और अगर ये भी ना हो तो ये नॉर्मल वाली ब्रा पहन, और इसके ऊपर ये स्पेगेटी पहन जिससे कि तेरी ब्रा एकदम सीमलेस दिखे। ऑल सेट फॉर क्रिकेट नाइट बेबे? या अकॉर्डिंग टू यू बेबे। मेकअप बढ़िया किया है, 500 प्रोडक्ट लगाए होंगे। मुझे नहीं लगता। लगी शर्त? लगी। What are you doing? OMG! देख, कहा था ना भयंकर मेकअप किया होगा। No, it's just a hack. तुम भी कर सकते हो। तुझे मोड़ी पे करके दिखा। उठो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एक ही लिपस्टिक से पूरा मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको लेना है एक बुलेट लिपस्टिक और आईलिड पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर उसी लिपस्टिक को चीक्स पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लो और लिप्स पे भी लगा लो, तो हो गया ना आपका एक ही लिपस्टिक से तीनों काम। यार बड़ा अच्छा मेकअप हुआ है, एक लिपस्टिक इतने काम कर सकती है, मुझे पहली बार पता चला है। क्रिकेट और हैक एक साथ एंजॉय कर लिया। कल एग्जाम में मिलते हैं। ओके बाय गर्ल्स, बाय। तू ये मैथ्स की तैयारी क्यों कर रही है? मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स ही पढ़ूंगी ना। स्टूपिड, आज इंग्लिश का पेपर है। ये तो उल्टा हो गया, बेंच जहां थी वहीं आ गई।
कैसा लगा मेरा मजाक? थ्री मार्क्स का पेपर तो कर लिया, अब एक दो क्वेश्चन इसके पेपर से कर लेती हूँ। इसके तो सर में जुए हैं। ऐसा है, कुछ टीनेजर एक हमें भी आते हैं। एग्जाम के बाद इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। टीनेजर के सर में ऑलमोस्ट लाइस होती ही है, तो इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको जुए मार शैम्पू से अपने हेयर वॉश करने हैं। उसके बाद वेट हेयर में इस कंघी को यूज करना है, इससे आपके जितने भी जुए मरे हैं सर में वो सब निकल जाएंगी। जुए तो निकल गई सर से, अब लाइस एग्स भी तो रिमूव करने हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ फ्लैट आयरन यूज करना है। फ्लैट आयरन से सारी लीखें मर जाएंगी। लोग गलती से मैं भी मर गई, ओह मेरा मतलब गिर गई। सर आपको कहीं जाना है क्या? नहीं, आप इतनी जल्दी जल्दी लिख रहे हो, लिख कहीं नहीं जा रहा। अरे अभी तो टॉप गियर लगाना बाकी है। यहाँ लिखते लिखते आग लगी है और इनको सेल्फी की पड़ी है। कल सबकी नोटबुक में मेरे नोट्स होना चाहिए। आई बस वन में बुलेट ट्रेन जैसे तो लिखते हैं, कैसे नोट करेंगे हम? देखो टेक्नोलॉजी कब काम आएगी, अभी मैंने बैठे बैठे स्क्रीनशॉट्स ले लिए। और जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तब? चाहे स्कूल हो या ऑनलाइन क्लासेस, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि नोट्स कंप्लीट कर सकें। और ऑन द स्पॉट नोट्स बनाना तो सबसे अच्छी बात होती है, इससे पढ़ने में भी इजी होता है और याद भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे मिरर निकाल लिया है, अपना सुंदर चेहरा भी तो देखना है, तो चलो हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है मिडिल पार्टीशन और सामने से दो फ्लिक्स निकालनी है। अब दोनों साइड से बालों के छोटे छोटे पोर्शन को लेना है। और इस तरह से गांठ बांधते हुए निकाल देना है। और इसी स्टेप को 3 से 4 बार रिपीट कर लो। और बस हो गया मेरा हेयर स्टाइल तैयार। और क्या आपने नोटिस किया, मैंने ये हेयर स्टाइल बिना कंघी के बनाई है। तो अगर आप भी किसी इमरजेंसी में हो और आपके पास कंघी नहीं है तो ये वाली हेयर स्टाइल जरूर ट्राई करना। देख इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2, इसमें 10, अरे हम 5 है। सुनना एग्जाम्स खत्म, पार्टी में चलते हैं। अरे यार ना हमारे पास कोम्ब है और ना हमारे पास हेयर स्टाइलिंग टूल है, और घर जाएंगे तो आने से रहे। वेट, मैंने भी कौन सा कंघी यूज किया है, हाथों से ही बना लिया है, कंघी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। स्कूल के वॉशरूम में चलते हैं। ओहो ये लड़की तो ऐसे ही जा रही है पार्टी में। रुक जा तेरा भी हेयर स्टाइल करती हूँ। पीछे देखना बंद कर और अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दे। चलो देखते हैं ये शनाया मैडम क्या करामात करने वाली है। तो सबसे पहले मिडिल पार्टीशन करना है और 2 फ्लिक्स निकाल लेनी है, और फिर इस तरह से सेक्शन लेते हुए ट्विस्ट कर देना है, और अब इसे पिन से सिक्योर कर लो। जैसा इधर किया वैसे ही। हाँ मैं कर रही हूँ ना, मैं बताऊंगी। हाँ बता ले तू ही। और अब दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लगता है इसका राहुल, छोड़ो मैं अपने ब्यूटी शॉट्स पे ध्यान देती हूँ।
प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ अनायसा गर्ल्स के पास। तो हर मंडे 1 PM देखना मत भूलना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। और प्रियंका सब्सक्राइब बोलना पकड़ लिया।